मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश के बाद 8 अक्टूबर से चलाए जा रहे प्रदेश के सभी जिलों में नशा मुक्ति अभियान के अंतर्गत पुलिस विभाग की कार्यवाही के संबंध में समीक्षा बैठक में डीजीपी सुधीर सक्सेना ने जानकारी दी है। बैठक में बताया गया कि नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए 189 प्रकरण दर्ज करने के साथ 334.24 मादक पदार्थ जब्त किए गए। अवैध शराब के मामलों में कार्यवाही करते हुए अब तक 2586 आरोपियों के विरुद्ध 2589 प्रकरण दर्ज करने के साथ 16603.5 लीटर अवैध शराब जब्त की गई है। सीएम शिवराज ने समीक्षा बैठक में कहा कि हम लोगों ने ड्रग्स और बाकी नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ जड़ों पर प्रहार करने का फैसला किया और महाअभियान शुरू किया है। हमारे जिलों के सभी साथियों को मैं बधाई देता हूँ, कई जगह बहुत प्रभावी कार्यवाही प्रारंभ हुई है। डीजीपी ने बैठक में कहा कि आपने जैसा कि निर्देश दिए थे नशा मुक्त कार्यवाही के लिए दोपहर के बाद से ही कार्यवाही शुरू हो गई थी। सभी जिलों ने कार्यवाही की, यह कार्यवाही कल भी जारी रही। हुक्काबार को लेकर जो आपकी चिंता थी, हुक्काबार और लॉज पूरी तरह से बंद हो गए हैं। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, रीवा में एक दो जगह शिकायत थी, सभी जगह कार्यवाही करते हुए हुक्काबार को पूरी तरह बंद कर दिया गया है। इस पर सीएम शिवराज ने कहा कि मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और समझदारी से काम संपन्न किया। मध्य प्रदेश में सार्वजनिक स्थल पर शराब पीने वाले 361 आरोपियों पर 335 प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की गई है। शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के प्रकरण में 199 आरोपितों पर 199 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। सिगरेट एंड टोबैको प्रोहिबिशन एक्ट के अंतर्गत 163 आरोपियों पर प्रकरण दर्ज किए गए हैं। अवैध मादक पदार्थ का नशा करने वाले स्थानों की चेकिंग संख्या 1672 रही है। समीक्षा बैठक में यह भी जानकारी दी गई कि अवैध शराब पीने व पिलाने वाले स्थानों की चेकिंग संख्या 2486 रही। नशा मुक्त अभियान के अंतर्गत पुलिस विभाग द्वारा 442 स्थानों पर जागरूकता कार्यक्रम किए गए। हम लोगों ने ड्रग्स और बाकी नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ जड़ों पर प्रहार करने का फैसला किया और महाभियान शुरू किया है। मैं बधाई देता हूं हमारे जिलों के सभी साथियों को, कलेक्टर एसपी को। कई जगह बहुत प्रभावी कार्रवाइयां प्रारंभ हुई है। मीटिंग ली थी और निर्देश दिए थे नशे की कार्रवाई के लिए, तो परसों के दोपहर के बाद से ही कार्रवाई शुरू हो गई थी और काफ़ी कार्रवाई सभी जिलों में कार्रवाई हुई है। सभी जिलों ने जो है लगातार परसों से कार्रवाई शुरू करी और वो कार्रवाई कल भी जारी रही। सर, कल मिलादुन्नबी जुलूस बहुत जगह थे और काफ़ी थे, उसके बावजूद भी कार्रवाई चलती रही। एक मैं बहुत बधाई दे रहा हूँ आपको, मिलादुन्नबी के जुलूस भी थे और संचलन भी थे, लेकिन निर्विघ्न सारे त्योहार संपन्न हुए हैं। त्योहारों की कड़ी में कल एक प्रमुख दिन था, लेकिन उसको भी आपने बहुत कर्तव्य निष्ठा, सूझबूझ और समझदारी के साथ सानंद संपन्न किया, उसके लिए भी बधाई। पहली बात की जो आपकी चिंता थी हुक्का बार को लेकर, हुक्का लाउंज को लेकर, तो हुक्का बार और लाउंज पूरी तरह से बंद हो गए हैं सर। ये मेनली भोपाल, इंदौर में शिकायतें थोड़ी, ग्वालियर में थोड़ी शिकायत थी, रीवा में एक जगह था, तो सब जगह कार्रवाई करते हुए अपना हुक्का बार को पूरी तरह बंद कर दिया गया है, कहीं कोई हुक्का बार नहीं।